परमात्मने नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमः महाम्बोधस्तीरे कनकरुचिरे नील शिखरे वसन प्रासादाय सहज बलभद्रे नवलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसन जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भव तुमे जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भव तुमे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। करुणा वरुणालय राज राजेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक विश्वचिंतामणि कोटि कैवल्यनाथ कोटि ओडियार प्राण महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर चरण कमल रे ए सेवक सतकोटि प्रणाम जनाउचि। महाप्रभुंकर अनंत गुण अनंत महिमा को आधार करी अनेक शास्त्र तांकर पृष्ठा को रुधिमंत करिचंती। महाप्रभु केते बेले कौ लीला कहा पाई करिचंती ताहा देवता मानंको अगोचर सेति पाई तो शास्त्र कहिचंती महाप्रभुंकर लीला देवान जानांति कुतो मनुष्यः अर्थात महाप्रभुंकर लीला महाप्रभुंकर भाव महाप्रभुंकर कथा महाप्रभुंकर तत्व को बुझिबा पाई देवता माने मध्य संभव हो पारि नाहंती। आउ आमे छार मनीष केते तार दिन आयुष नहीं बंचुवा मनीष महाप्रभु विषय कौन बुझिपार कौन जापर केवल इतिक कथा आम जानवा हे महाप्रभु आपण होमर निश्वास आपण होमपाई विश्वास आपण होमपाई बंदन आपण होमपाई चंदन महाप्रभु आपण होमपाई प्राण आपण होमपाई स्पंदन अर्थात ए महाप्रभु ए ओडिया जाति आपणक परिचय परिचित आपणक स्वाभिमान स्वाभिमानी आपणकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक धार्मिक सबु दृष्टिकोण रु आपण को केन्द्र करी ओडिया जाति समग्र विश्वरे तार विस्तारित आपणकर विस्तारित नयन को आधार करी बंचिबा सिखिछि महाप्रभु आपण तो परम दयालु सेतिपाई तो अनेक शास्त्रकार माने कहिछंती आपण जोठी रहुछंती महाप्रभु ताहा होछि अर्थ्य वैकुंठ जो वैकुंठ को जीवा पाई थरे वैकुंठ को गले जणकर आ प्रत्यावर्तन हुए नाही बोली भगवती गीतार तुम्हें कहिछ कौन कह जाइछंती भगवती गीतार ना न तत् भाषयते सूर्यं न शशाक न पावक जदगत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कृष्ण
दितिकृष्ण अर्जुन को कहते कौन कहते ना जो ठाकु सूर्यंकर किरण पहुँची पारिना जो ठाकु चंद्रंकर ज्योत्सना विकिरित करे ना जो जगह को अग्निर उष्मता स्पर्श करी पारि ना न तत् भाषयेत सूर्यम न शशाकम न पावक जद गत्वान निवर्तन्ते जो ठाकु गले जीवर आउ पुनर्जन्म हुए ना तो धाम परम मम हे अर्जुन से धामटा हूँ मोर अर्थात तो वैकुंठ महाप्रभु आपण परा दयालु आपण परा कृपालु से श्रीमद भागवत कहले कहले दुष्ट निवारी संथ पालु तुनाथ पर मदयालु आपण परा परम दयालु से महाप्रभु आपण कलिजुगरे ये नीलाचल क्षेत्र को निजे वर्त्य वैकुंठ रूपांतरित करिसंती आपण कहिबे वैकुंठ किए जाए वैकुंठ रे कौन मिले ना वैकुंठ रे अमृत मिले नारद कहउचंती देवता मानुकु हे देवता माने महाप्रभु श्री जगन्नाथ नीलाचल धाम रे पुरुषोत्तम क्षेत्र रे नीलाद्री कंदर रे विराजमान करी अभड़ा नारे महाप्रभु प्रसाद बांटु नाहंती अमृत बांटु चंती अमृत ये प्रसाद नुह ये हूँ महाप्रसाद आप देखिए महाप्रभुंर सबु विश्लेषण लंबा चौड़ा सबु देउल को देउल कहुला बेले प्रभुं देउल हूँ बड़ देउल सबु दांड दांड होता बेले प्रभुंर दांड बड़ दांड सबु बाली गाँर बाली होता बेले प्रभुं बालीर नाम श्रद्धा बाली समस्तंकर स्थान जन्मस्थान हला बेले प्रभुंकर जन्मस्थानर ना होची जन्मवेदी समस्तंकर स्थान यज्ञ स्थान हला बेले महाप्रभुंकर स्थान होची अंतरवेदी अर्थात एठी एक विश्लेषण अन्य सबुठी प्रसाद मंडप कहिला बेले एठी प्रसाद पाउथिबा क्षेत्र को कहा जाए आनंद बजार अर्थात जो प्रसाद को पाइदेले आनंद प्राप्त हुए जी हूँ सच्चिदानंद विग्रह कहीं आनंद प्राप्त ना होटी सच्चिदानंद विग्रह निजे सत् चित आनंदर सम्मिलित विग्रह महाप्रभु ये स्वयं विद्यमान होता कारण ये महाप्रभु का आनंद बजार आम को आनंद प्राप्त होपण कहे सतरे कौन ये महाप्रसाद पाइदेले मनुष्य मुक्ति पाई जाए आपण जान लें आश्चर्य हे ये महाप्रभुंकर ये जो महाप्रसाद यह सुखी गले निर्माल्य हो जाए घरे पहुँची गले कैवल्य हो जाए यही कैवल्य कणिका टिके पाइबापाई समग्र जगत व्याकुल महाप्रभुंकर जो कैवल्य कणिका टिके पाइबापाई लोक केते बाइया हुए से भक्त माने कहंती ना थका मन चाल जीवा चकान यन देखीबा थका मन चाल जीवा चकान यन देखीबा शंखनाभि मंडल रे बेनी नेत्र पोखाळीबा थका मन चाल जीवा कहा जाए मनरे चाले कौटिक जीवा ना श्रीक्षेत्र शंखनाभिमंडल को जीवा बेनी नेत्र पोखाळीबा तापर कौन करीबा बाईसी पहाचे रही बाईसी पहाचे टिके रहीबा साधुंक संग करीबा आउ कौन करीबा ना कैवल्य हेउची विका कैवल्य हाटर कैवल्य टिके विका होची पाइबा अर्थात या को अमृत सहित समान करा जाइची गुटी कथा उदाहरण देले आमे समस्ते बुझी जीवा आमे जानिचे ये जो महाप्रभु बसी चंती ये किए ना सर्वेशा
सर्वमेपा सर्वेषां सर्वक्षेत्राणां राजा स्त्री पुरुषोत्तम सर्वेषां चैव देवानां राजा स्त्री पुरुषोत्तम क्षेत्रमानंक भितरे राजा होचंति पुरुषोत्तम क्षेत्र देवतामानंक भितरे राजा होचंति महाप्रभु जगन्नाथ पुरुषोत्तम आपण देखिबे समग्र विश्वरे विरळ जोटी क्षेत्रर नाम पुरुषोत्तम देवतांकर नाम पुरुषोत्तम गजपतिंक नाम भी पुरुषोत्तम ये विश्व विरळ महाप्रभु से महाप्रभु देवतामानंकर राजा होइतिबा कारणरु एटी बारंबार देवता ऋषि गंधर्व किन्नर जक्ष रक्ष समस्तंकर आगमन हुए एटी विभीषण आसी बंदापना करिचंति बोली तांकर कंकण बंधा पड़ी एटी इंद्र आसंती बोली स्वर्गद्वार सृष्टि से कहुए ना इंद्र डाकुचंती प्रभु गुहारी शुणा ब्रह्मा डाकुचंती प्रभु मणिमा मणिमा जोटी देवता मान सेवक महाप्रभु निकट रे एकदा नारद आसी महाप्रभुंर तो प्रिय भक्त होती नारद नारद तो गोटे जगार कौटी थय होकरती ना से इतस्तत बुलंती तो से नारद महामुनि आसी महाप्रभु को दर्शन कले नीलाचल नीलाद्री कंदर रे कले नीलाद्री कंदरानंदी मंदरालय वंदित वंदे बंदारु मंदारो इंदिरा मंदिरं भजे महाप्रभु जगन्नाथ को प्रार्थना कले प्रणाम कले स्मरण कले कीर्तन कले नारद होचंति महाप्रभुंकर अनन्य भक्त देवर्षि नारद प्रणाम करिकि जेतेबेळे आनंद बजार देकिरि गले पेटे महाप्रसाद खाइले महाप्रसाद खाइले आपण देखिबे आपण जेते कम नेले भी ए महाप्रसाद आपणकर पेट फुल करै दियंति कारण महाप्रसाद को कहा जाए महाप्रभुंकर साक्षात अवतार बोली कहा जाए आपण देखिबे जोटी महाप्रभुंकर अनुपस्थित सेठी महाप्रसाद पुड़ियाटे थुआ होकर सत्य करा जाए महाप्रभु को साक्षी रखिक विवाह व्रत इत्यादि कार्यक्रम आपण देखिथिबे एवं अल्प खाइले भी पूर्ण भली लागिवो कारण ये होचंती पूर्ण ब्रह्म सेतिपाई कहा जाइछि ना उपनिषद रे ये किए ना पूर्ण मदह पूर्णमिदं पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ये पूर्ण यांको संगे आउ किछि मिसई देले भी सही पूर्ण यांको पाखरु काढ़ी आनिले भी ये पूर्ण यांको किछि न देले भी ये पूर्ण यांको देले भी ये पूर्ण कारण ये होचंति पूर्ण परात्पर परिपूर्ण परम ब्रह्म एवं अबड़ा खाइले महाप्रसाद पेटीटे खाइले खाइकी स्वर्ग को लेउटिले गला बेलू भगवान शिवों सांगे भेट हो गले नारद कारण भगवान शिव होती महाप्रभुंर अनन्य भक्त अर्थात आपण देखिबे महाप्रभु जगन्नाथंर परम सेवक होती शिव से कहा जाए वैष्णव मानंक भितर सर्वश्रेष्ठ वैष्णव होचंति भगवान शिव नहले आपण दुआर जगिकिरी प्रभु काशी विश्वनाथ नारे एठी थांते प्रभु क्षेत्र को जगिकिरी थांते कपाल मोचन प्रभुंकर कपाल मोचन एठी जेतेबेले भगवान शिव ब्रह्मांकु बाडेकिरी तांकर गोटे मुंड छिंडेई देले ब्रह्महत्या दोष लगला कौटी से ब्रह्मा कपाड़ा शिवं हाथ छाड़ा ना जिते तीर्थ गले जिते बड़े श्रीक्षेत्र पाद दे तुरंत ब्रह्महत्या दोष निवारण है से शिवंर ना हूँ कपाल मोचन महादेव जी से बस नीलकंठ बस मार्कंडेश्वर बस लोकनाथ बसी जम्बेश्वर बसी अर्थात समग्र श्रीक्षेत्र को चारिआड़े शिव जगिंट के महाप्रभु को भल पाती अर्थात ये क्षेत्र हूँ हरि एवं हरात्मक क्षेत्र हरि एवं हर उभयंकर भेट क्षेत्र हूँ श्रीक्षेत्र नारद को पचारे कड़े जा
ନା ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ପ୍ରଣାମ କରି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ନାରଦ ଯାଇଥିଲ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ କ'ଣ ସବୁ ସବୁ ଠିକ ତ? କହିଲେ ହଁ, ସିଏ ଜଗବନ୍ଧୁ ଆଉ, ସେ ପୁରା ଜଗତର ବନ୍ଧୁ। ଜଗ ବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ, ଜଗ ବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ। ଚଉଦ ଭୁବନ ବାର ତା ଜାଣନ୍ତି, ଚଉଦ ଭୁବନ ବାର ତା ଜାଣନ୍ତି, ଚକ୍ରରେ ଛେଦନ୍ତି ଆରତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ। ଜଗ ବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଇଏ ସମଗ୍ର ଚଉଦ ଭୁବନର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଖବର ରଖନ୍ତି, ହିସାବ ରଖନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଖରାପ ହେବ ସବୁ ଭଲ। ଶିବ କହିଲେ ଆଉ ଯାଇଥିଲ ତ, କ'ଣ ଆଣିଛ, କ'ଣ ନେଇକିରି ଆସିଛ? ନାରଦ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳା ଶଙ୍କର, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ହର ହର ମହାଦେବ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂତ ଭାବନ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ, ଯେତେ ଦେବତା ସବୁ ଦେବତା କର୍ମରେ ଥିଲେ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ଦେବତା ଆପଣ ଯିଏ କର୍ମରେ ନଥିଲେ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ। ଆପଣ ଜଗତକୁ ଦେଇକରି ନିଜେ ଲଙ୍ଗଳା ଘରଟିଏ ନାହିଁ, ନିଜର ନିଜର ଆସ୍ତିବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଖଣ୍ଡିଏ ଜମି ପଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିବନି ପ୍ରଭୁ। ନାରଦ ପଚାରିଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର? କହିଲେ ଯାଇଥିଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୈବଲ୍ୟ କଣିକା ଟିକିଏ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆଣିଛ? ନାରଦ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଆଣିନି, ତଥାପି ଦେଖୁଛି। ନାରଦ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ନଖ କଣରେ ଗୋଟିଏ କୈବଲ୍ୟ ଦାନା ଲାଗିଥିଲା, ତାକୁ ଝାଡ଼ିଦେଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ହାତରେ। କି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୈବଲ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ନାଚିକିରି ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମା ପାର୍ବତୀ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ସହଜେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦମୟ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା କି? କହିଲେ ଆଜି ଆରେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ନା କ'ଣ? ନା କୈବଲ୍ୟ କଣିକା ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ନଥିଲେ କୈବଲ୍ୟ କାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୋକ ପୁରୀ ଯାଇଥିବେ, ହୋଟେଲରେ ଖାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ନଥିଲେ ତା ପାଟିରେ କୈବଲ୍ୟ କଣିକାଟିଏ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ଜଣେ ପାଇବ। ଆଜି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି କୈବଲ୍ୟ କଣିକାଟିଏ ପାଇଲି। ମା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ପାଇଲେ, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଣିଲେନି। ଶିବ କହିଲେ ଆରେ କ'ଣ କରିବି, ନାରଦ ଯାଉଥିଲେ, ନାରଦ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନଖ କଣରେ କେଉଁଠି ଟିକେ ପଶିକିରି ଥିଲା, ସେଇଟା ଝାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ସେଇ କଣିକାଟା ପାଇଲି, ଆଉ ସେଥିରୁ କ'ଣ ତୁମ ପାଇଁ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତି? ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ଅବଶୋଷ ହେଲା, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଭାରି ଅଭିମାନ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରା ସମଦର୍ଶୀ, ଆପଣ ପରା ନିଜେ ଭଗବତୀ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଗବିହସ୍ତିନୀ ସୁନିଚୈବ ସୋପା କେଚ ପଣ୍ଡିତା ସମଦର୍ଶିନ। ଆପଣ ପରା ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜମାନ, ଆପଣ ପରା ସମଦର୍ଶୀ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ କୈବଲ୍ୟ କଣିକାଟିଏ ପାଇବାର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ମୋର ନାହିଁ? ମା ପାର୍ବତୀ କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ। ମା ପାର୍ବତୀ ଆସିଲେ, କହିଲେ ବିନା ସେବାରେ ତ କିଛି ଏଠି ମିଳେ ନା, ତାଙ୍କୁ କୈବଲ୍ୟ ଦେବ କିଏ? ପଇସା ନାହିଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ପଇସା ନଦେଲେ ଅଭଡ଼ା କେହି ଦେବେନି, ସେ ଗାଳି ଶୁଣିବେ, ପଇସା ଦେବେ, ତାପରେ ଅଭଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଇଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସଂସ୍କୃତି। କ'ଣ କଲେ ମା? ମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ନିଜେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗେଇଲେ,
झाड़ू कले कारण ये हूँ महाप्रभु सेवा कले महाप्रभु पाखे सेवा को उल्टेले कौन हम ना बासे जी जीवन सेवा कर से बास भागवत कौन कहले बोले सेवाकार पण्य पुण्य फले कि असाध्य मोहि तले सेवा करने द्वारा संसार असाध्य कार्य साधित होता है असाध्य काम साधन करा जाई पारे माँ सेवा कले निरंतर भाव निरवच्छिन्न भाव अत्यंत निष्ठार सहित महाप्रभु पाखे सेवा कले जिते बड़े सेवा कले निजे हाथ में सेवा करुंट महाप्रभुंर हृदय विगड़ित हो गला कारण महाप्रभु तो भारी दयालु ना महाप्रभु तो भारी कृपाणु ना दिने माँ पार्वती को डाकिले कले हे माँ उमा आपण भगवान शंकर धर्मपत्नी जगत जननी जहाँ को स्तुति करी कले नित्यानंद करी बराभय करी सौंदर्य रतना करी निर्धूताखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालयाचल वंश पावन करी काशी पुराधीश्वरी विख्याम देही कृपावलंबन करी मातार्णपूर्णेश्वरी अर्णपूर्णे सदापूर्णे शंकरं प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं विख्याम देही च पार्वती हे माँ पार्वती सकल जगत आपणं पाखरे भिक्षार्थी हाथ पाते माँ आपण अर्णपूर्णा समस्तंकु कृपा प्रदान करती आपण ये झाड़ू लगौंती कहले प्रभु गोटे कथार मोर लोभ गोटे कथार मोर मन ना कौन प्रभु ना आपणकर कैवल्य टिके केमी प्रतिदिन पाती प्रभु से ही लोभ से ही लालसा से ही आशा से ही इच्छा को लेकर महाप्रभु एक क्षेत्र में पड़ी आ महाबाहू आपण परा कृपा बच्छल आपण परा भक्तर इच्छा को जानी पारंती आपण कौन मत से इच्छा पूर्ति करिबा पई इच्छामय जगन्नाथ मत सुजोग देबेनी मत कृपा करिबेनी महाप्रभु तो बड़ दयालु कहले माँ पार्वती आपण यही कथापी मन कष्ट यही कथापी मन दुख करुंटार गोटे कथा हम माँ तुम्हें विमला रूप से प्रतिष्ठित हब एवं मो पाखे जो अर्ण व्यंजन सब आसुची मो पाखे समर्पित ताकु प्रसाद कहजिव किंतु से प्रसाद जो पर्यंत तुम पाखे समर्पित नई से पर्यंत ताकु महाप्रसाद कहना बास्तवरे ताहा माँ प्रसाद अर्थात अपभ्रंश होकर माँ प्रसाद को आम महाप्रसाद कहचु बोली किसी आलोचक मानकर मत गवेषक मानकर मत अर्थात महाप्रभु जगन्नाथ पाखरे जेते प्रकार प्रसाद समर्पित होइथिबो से समस्त प्रसाद माँ विमला पाखरे माँ पार्वती रूपा विमला पाखरे समर्पित न होबा पर्यंत ताहा महाप्रसाद रे रूपांतरित होई पारिबो नहीं अर्थात से कैवल्य कणिका को लोलुप दृष्टि रे अर्थात अत्यंत व्याकुल दृष्टि रे व्याकुल हृदय रे अपेक्षा करिथिबारु ए मांकर अन्य नाम होउचि कैवल्य लोलुपी माँ अर्थात मांकर अन्य नाम होउचि कैवल्य लोलुपी माँ अर्थात कैवल्य उपरे आंकर प्रबल श्रद्धा कैवल्य उपरे आंकर प्रबल दुर्बलता कैवल्य उपरे तांकर प्रबल आग्रह कैवल्य उपरे तांकर प्रबल इच्छा थिबा कारणरु ए मांकर अन्य नाम हला कैवल्य लोलुपिमा अर्थात ए प्रसंग सुनिला परे गोटिए कथा आमे बुझी जिबा महाप्रभुंकर कैवल्य केडे दुर्मूल्य जहाकु प्राप्त हवापाई देवनर किर्णर गंधर्व जक्ष रक्षीय सिद्ध गांधर्व गण देवी माने महाप्रभुंक निकटरे निजे सेवा करी महाप्रभुंकु संतोष करी महाप्रभुंकर कैवल्य माँ परम वैष्णवी रूपे माँ विमला
ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ମା ବିମଳା ତାକୁ ନିଜେ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ମାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି କୈବଲ୍ୟ ଲୋଲୁପିମା, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଅକଳ୍ପନୀୟ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ କୈବଲ୍ୟ ଟିକିଏ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବ, ଅନ୍ନପ୍ରାସନ ହେବ, ସେଇ କୈବଲ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ, ସେଇ କୈବଲ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ବିବାହ, ଏବଂ ଶେଷରେ ମରିଗଲା ବେଳକୁ କୈବଲ୍ୟ ମୁହଁରେ ଦେଲେ ମୁକ୍ତି, ଏବଂ ମରିସାରିବା ପରେ ସାଇ ଭାଇ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବକୁ ଡାକି ସେଇ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାୟ ରଖିଛି। ସମୟ ତ ଆଜି ହେଇଯାଇଛି, କଥାକୁ ଏଇଠି ସାରିବା। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚି ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଓଁ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ।